जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। लेकर आ चुका हूँ आपके साथ एक और भी ज़बरदस्त नया वीडियो। तो फाइनली दो दिन से बाद में आ चुका हूँ कुछ नया वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माइक्रोमैक्स इन नोट वन के बारे में। तो फ़ोन 3 नवंबर को लॉन्च हुआ था और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सभी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ और सभी कुछ बताने। तो माइक्रोमैक्स कंपनी ने मुझको कोई अच्छी बातें बताने के लिए आपको मैं ये वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ। मुझको माइक्रोमैक्स कंपनी ने 2-5 रुपये नहीं दिए। मैंने जो टीज़र में देखा और मैंने जो कुछ भी एनालाइज किया वो सभी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक तो वीडियो ज़रूर देखना और साथ ही साथ बताऊँगा आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सभी कुछ मैं डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़रूर वीडियो का लास्ट तक देखना और आप नए हो इस वीडियो पर, नए देख रहे हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नए लेटेस्ट वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो, कंपैरिजन वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो माइक्रोमैक्स ने इन नोट वन जो नया फ़ोन लॉन्च किया है 3 नवंबर को, वो आपको इतनी कम प्राइस में मिलने वाला हो और सभी कुछ आपको जो 15,000-20,000 रुपीस में आपको जो मोबाइल मिलते हैं वो आपको कम प्राइस में मिलने वाला हो। सभी कुछ वेरिएंट आपको इसमें 2 वेरिएंट्स मिल जाता है। तो मैं सभी कुछ बताने वाला हूँ, कौन सा प्रोसेसर, रियल कैमरा, सभी कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको हीलियो G85 मिल जाता है। तो गेम प्ले में मामले में कोई भी लेग नहीं होने वाला और सबसे अच्छा प्रोसेसर आपको 15,000-20,000 रुपीस में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वही आपको इसमें मिल जाता है। मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा प्राइस, वो तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर आपको डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HDR डिस्प्ले मिल जाता है और आपको साथ ही साथ डिस्प्ले में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छी डिस्प्ले है, फुल HDR है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट रियल कैमरा की। तो मैं आपको बता दूँ, जो 15,000 रुपीस में आप जो मोबाइल ख़रीदते हो तो उसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, तो आपको इतना मेगापिक्सल का आपको रियल कैमरा नहीं मिलता। तो इस फ़ोन में आपको अच्छा प्रोसेसर, रियल कैमरा, सब कुछ, बड़ी बैटरी मिलने वाली है और प्राइस भी थोड़ा कम है। तो ज़रूर वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, लास्ट तक वीडियो देखना। तो मैं बात करूँ रियल कैमरा की, यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस आपको 5 मेगापिक्सल प्लस आपको 2 मेगापिक्सल प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का आपको रियल कैमरा मिल जाता है। तो जब लॉन्च होगा उसका मैं आपको फोटोग्राफिक्स दिखाऊंगा रियल कैमरा से, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम नेक्स्ट बात करें सेल्फी कैमरा की, तो वही भी इम्पोर्टेंट होती है सेल्फी कैमरा। तो मैं आपको बता दूँ, सेल्फी कैमरा आपको 14 मेगापिक्सल की आपकी सेल्फी कैमरा मिल जाती है। तो बड़े बड़े फ़ोन में आपको सेल्फी कैमरा नॉर्मल सी 40 मेगापिक्सल मिलती है, तो वो नॉर्मल दिया गया है सेल्फी कैमरा। उसमें कोई भी कंजूस नहीं किया है माइक्रोमैक्स ने, बहुत ही अच्छा माइक्रोमैक्स इन नोट वन, तो अच्छा सीरीज चलने वाली है, मुझको तो ऐसा लग रहा है। और आपको ये फ़ोन खरीदने वाले हो और सोच रहे हैं तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कर टाइप करना, भाई मैं ये फ़ोन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ कमेंट कर देना, मुझको बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल मिलेगा। मैं नेक्स्ट बात करूँ बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो उसमें भी कुछ कंजूस नहीं दिखती माइक्रोमैक्स में, बड़ी बैटरी आपको जो 15,000-20,000 रुपीस में आपको फ़ोन मिलते हैं उसमें भी इतनी बैटरी मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी। और साथ ही साथ आपको 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, उसमें भी कुछ कंजूस नहीं किया माइक्रोमैक्स ने, तो मुझको तो ये लग रहा है सभी स्पेसिफिकेशन देखकर और टीरीज जो उसकी टीजर देखकर, तो मुझको लग रहा है कि सभी रियलमी जो रेडमी जो कोई भी स्मार्टफोन है ये टक्कर तो ज़रूर देने वाली है माइक्रोमैक्स इन सीरीज। आपको क्या लग रहा है, टक्कर देने वाली है या नहीं टक्कर देने वाली, मुझे ज़रूर आप कमेंट कर बताना। मैं नेक्स्ट बात करूँ वेरिएंट के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइस।
तो मैं 2 सेकंड के बाद बता दूंगा प्राइस। वेरियंट से बात कर लूँ, आपको 2 वेरिएशन मिल जाते हैं, 2 GB प्लस 4 GB प्लस आपको 64 GB मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। और आपको 4 GB प्लस 128 GB का स्टोरेज मिल जाता है। तो 2 वेरिएशन यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स ने दिया गया है, दोनों की प्राइस अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूँ प्राइस, यहाँ पर आपको 4 GB प्लस 64 GB भी आपको 10,999 में मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी कुछ अच्छा है। आपको स्टोरेज भी 64 GB का दिया गया है, रैम आपको 4 GB की दिया गया है, 48 MP का रियल कैमरा, प्रोसेसर गेमिंग दिया गया है, उसमें कुछ कंजूसी बात नहीं है। तो ज़रूर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो। दूसरे वेरियंट्स की बात करूँ उसके प्राइस में, तो यहाँ पर आपको 4 GB प्लस 128 GB में आपको 12,999 में मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और थोड़ा प्राइस ज़्यादा है क्योंकि स्टोरेज आपको बड़ा मिल रहा है, इसी के साथ आपको प्राइस भी बहुत ही अच्छी है। और पीछे की मैं बात करूँ, मोबाइल के पीछे में आपको डिज़ाइन भी कुछ अलग से मिलने वाली है, कुछ एक तरह कैसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसी कुछ दिख रही है। तो 24 नवंबर को ये फ्लिपकार्ट अमेजोन ऑनलाइन पर आप परचेस कर सकते हो, और जब मार्केट में आएगा तब हम उसका अनबॉक्सिंग आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर कमेंट कर बताना। मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँ, अनबॉक्सिंग वीडियो, कंपैरिजन वीडियो, कोई भी हो आप ज़रूर कमेंट करना। मैं आपकी कमेंट से कोई भी एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।